कायम मकाम वीसी लाहौर कॉलेज और रजिस्ट्रार में इख्तलाफात, दोनों का एक दूसरे के खिलाफ गवर्नर पंजाब को खत। गवर्नर पंजाब के नोटिस के बाद सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने जवाब तलब कर लिया है। आपको बताया जा रहा है कि कायम मकाम वीसी लाहौर कॉलेज और रजिस्ट्रार में इख्तलाफात, दोनों का एक दूसरे के खिलाफ गवर्नर पंजाब को खत लिखा गया। गवर्नर पंजाब के नोटिस के बाद सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने जवाब भी तलब कर लिया है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि कायम मकाम वीसी लाहौर कॉलेज और रजिस्ट्रार में इख्तलाफात सामने आए हैं, दोनों का एक दूसरे के खिलाफ गवर्नर पंजाब को खत लिखा है। गवर्नर पंजाब के नोटिस के बाद सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने जवाब भी तलब कर लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर की जो खवातीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो इस वक्त वाइस चांसलर है और रजिस्ट्रार, इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिदत अख्तियार कर गए हैं और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो गवर्नर पंजाब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को दी है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने इन दोनों से जवाब भी तलब कर लिया है। गवर्नर पंजाब के नोटिस के बाद सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन ने इन दोनों जो अफसरान हैं इनसे जवाब तलब किया है और जो तफसीली खत लिखा गया है रजिस्ट्रार की जानिब से, उसमें कहा गया है कि गवर्नर चांसलर के इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जेंडर की बुनियाद पर नफरत अंगेज इकदाम किए जा रहे हैं, उम्मीदवारान बराए वाइस चांसलर की जाती रिकॉर्ड की फाइलें हजफ करने पर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के गवर्नर पंजाब को तफसीली खत, रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज के इल्जाम पर मबनी खत पर गवर्नर पंजाब ने सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन को इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी एचईडी पंजाब ने कायम मकाम वीसी लाहौर कॉलेज से भी जवाब तलब कर लिया है। रजिस्ट्रार एलसी जो है बाबर अली खान की जानब से कायम मकाम वाइस चांसलर पर गवर्नर पंजाब के इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करके मुलाजमीन को नजायज तरीके से उहदों से हटाने जाने का इल्जाम भी लगाया है। वाइस चांसलर मर्द मुलाजमीन के लिए नफरत अंगेज अल्फाज इख्तियार करती हैं, ये मरासला में कहा गया है। माजी के वाइस चांसलर की बनाई गई पॉलिसियों को खत्म करने के लिए यूनिवर्सिटी की कमेटियों को नजायज तरीके से बदला जा रहा है। कायम मुकाम वाइस चांसलर ने गैर कानूनी तौर पर 10 सीनियर प्रोफेसर जो कि मुस्तकबिल में वाइस चांसलर के उम्मीदवार में शामिल है, इनकी जाती फाइलों को अपने कब्जे में ले रखा है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार अहम अमूर से मुतालिक कमेटियों से भी खारिज कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक सीनियर अफसरान को भी अपनी नापसंदीदगी की बिना पर ओहदों से हटा दिया गया है। आतिफ हमारे साथ ही रहिएगा।